नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको धनतेरस की पूजा की विधि और उसमें काम में आने वाली सामग्री के बारे में बताएंगे। पूजा में एक चौकी, लाल रंग का कपड़ा, एक कलश, उसका ढक्कन, लक्ष्मी, गणेश जी, कुबेर, धन्वंतरी जी की मूर्ति, अशोक आम के 5 पत्ते, एक नारियल, 5 रुपए का साबुत धनिया, साबुत अनाज, पूजा की थाली में रोली मोली चावल, सुपारी, पुष्प, इत्र, घी का दीपक, अगरबत्ती, गंगाजल, ये सब ले लीजिए। इसके बाद पूजा शुरू करते हैं। चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लीजिए। कपड़ा बिछाने के बाद इस पर कलश की स्थापना करेंगे। जिस स्थान पर आप कलश को स्थापित करना चाह रहे हैं वहां पर थोड़ा सा अनाज रख लीजिए। उस अनाज के ऊपर कलश को स्थापित कर दीजिए। कलश को स्थापित करने के बाद उसकी पूजा कीजिए। हमने कलश थोड़ा बड़ा लिया है, आप छोटा भी ले सकते हैं। इसके बाद कलश की पूजा कीजिए, थोड़ा सा जल का छींटा मार लीजिए, फिर अक्षत और कुमकुम छड़ा दीजिए। कलश के अंदर थोड़ा सा जल, हल्दी, अक्षत, सुपारी और एक सिक्का डाल दीजिए। फिर कलश को उसके ढक्कन से ढक दीजिए। इसके बाद कलश के ढक्कन पर भी थोड़ा सा अनाज हम रख लेंगे और जो अशोक या आम के पत्ते जो भी आपको मिले हैं वो 5 पत्ते इस कलश पर लगा देंगे। इस तरह से कलश के ऊपर पत्ते इस तरह से लगा देने हैं। कलश की पूजा के बाद अब जिस स्थान पर आपको लक्ष्मी गणेश जी को विराजमान करना है वहां आप अनाज से स्वास्तिक बना लीजिए और जिस स्थान पर आपको धन्वंतरी और कुबेर को स्थापित करना है वहां पर भी थोड़ा थोड़ा अनाज रख लीजिए। इस तरह से अनाज से स्वास्तिक बना लेने के बाद मूर्तियों को अपन उनके स्थान पर विराजमान करेंगे। सर्वप्रथम गणेश जी को विराजमान करेंगे, फिर माता लक्ष्मी को विराजमान करेंगे, फिर भगवान कुबेर को अपने स्थान पर विराजमान करेंगे और फिर भगवान धन्वंतरी को अपने स्थान पर विराजमान करेंगे। माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति तो लगभग सभी के पास मिल जाती है। अगर धन्वंतरी और कुबेर की मूर्ति आपको नहीं मिल रही है तो उसके स्थान पर आप पूजा के सुपारी को उनका रूप मानकर पूजा में रख सकते हैं। हमारे पास धन्वंतरी जी की कोई प्रतिमा नहीं है इसलिए हम पूजा के सुपारी को उनका रूप मानकर उनकी पूजा करेंगे। सभी को चौकी पर स्थापित कर लेने के बाद पूजा शुरू करने से पहले घी का एक दीपक जलाएंगे। जिस स्थान पर आपको दीपक जलाना है वहां पर भी थोड़ा सा अनाज रख लें, फिर घी का दीपक जलाएं। ओम अग्नि देवता, मारुति देवता, सूर्य देवता, बृहस्पति देवेंद्र देवता, रुद्रो देवता, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमामि, नमस्करोमि। दीपक जलाने के बाद सभी देवताओं का स्मरण करके पूजा शुरू करेंगे। पूजा से पहले पंचामृत तैयार कर लें। पंचामृत गाय के घी, दूध, दही, शहद और बूरे का मिश्रण होता है। एक थाली लें, थाली की पूजा करें। इसके बाद सभी को स्नान के लिए इस थाली में विराजमान कर लें। एक चांदी का सिक्का जो आपने लिया है अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप समर्थ हैं तो नया खरीद लाएं, अगर घर में पहले से है तो उसको भी काम में ले सकते हैं। इसके बाद सभी को पंचामृत से स्नान कराएंगे। स्नान कराते समय सभी के मंत्रों का जाप करें। मंत्र हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। पूजा करते समय उन मंत्रों का उच्चारण जरूर करें। पंचामृत से स्नान के बाद फिर साफ जल से इन सभी को स्नान कराएंगे। सभी के मंत्रों का जाप करते रहिए। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम श्री कुबेराय नमः, ओम श्री धन्वंतराय नमः। स्वच्छ जल से स्नान कराने के बाद इन सभी को पहुंचकर अपने स्थान पर वापस विराजमान करना है। हमने सभी को पहुंचकर उनके स्थान पर वापस विराजमान कर दिया है। स्नान की थाली को एक तरफ रख दें और पूजा की थाली को आगे ले आएं। पूजा की थाली में से कलावा लेकर सर्वप्रथम वस्त्र के रूप में सभी को कलावा चढ़ाएं। गणेश जी से शुरू करके लक्ष्मी जी, कुबेर जी और धन्वंतरी जी सभी को कलावा चढ़ाएं। हमने सभी को कलावा चढ़ा दिया है। इसके बाद पूजा की थाली में से चंदन और कुमकुम लेकर सभी के तिलक करें।
गणेश जी से शुरू करके सभी के तिलक करते जाएं। ओम स्वस्ति न इंद्र व्रजस्वाहा, स्वस्ति न पूखा विश्ववेदाहा, स्वस्ति नस्ता रक्षो अरिस्तनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पति तदातु तिलकम कुर्यातः। सभी के तिलक करने के बाद उन्हें अक्षत चढ़ाएं। हमने सभी के तिलक और अक्षत चढ़ा दिया है। इसके बाद माला अर्पित करें। आपके पास मोती की माला है तो वो भी ठीक है, अगर ये नहीं है तो फूल माला चढ़ा दें। हमारे पास मोती की माला थी इसलिए हम चढ़ा रहे हैं, इसके बाद फूल माला भी चढ़ाएंगे। कलश को भी माला या फूल अर्पित करें। पूजा में पीले और लाल रंग के फूल ही काम में लें। सभी के फूल चढ़ा दें। हमने सभी के फूल चढ़ा दिया है। अब जो साबुत धनिया, फल, बताशे और नारियल आपने पूजा के लिए रखे थे उन सभी को चौकी पर रखकर सभी को भोग लगाएं। आंख बंद कर सभी से प्रार्थना करें कि इस भोग को स्वीकार करें। भोग लगाने के बाद उन्हें जल से आचमन कराएं। आचमन कराने के बाद ये जो साबुत धनिया हमने चौकी पर रखा है, पूजा के बाद इसको एक लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में, जहां पैसे रखते हैं, जेवर रखते हैं, वहां इसे रख दें। और कुछ धनिया अपने घर के बगीचे में, बगीचा नहीं है तो किसी गमले में मिट्टी में दबा दें। ऐसा करने से आपके घर में धन की आवक बढ़ेगी। माता लक्ष्मी, धन्वंतरी जी की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। इसके बाद धूप करें और घर के सभी सदस्य पूजा स्थल पर एकत्रित होकर आरती करें। आरती करने के बाद पुष्पांजलि करें। घर के सभी सदस्य हाथ में थोड़े से फूल ले लें और आंखें बंद करके अपनी मनोकामनाएं मन में रखें और सभी फूल मूर्तियों के सामने विसर्जित कर दें। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह से आपको धनतेरस के दिन शाम को पूजा करनी है। पूजा करने के बाद रात को यम का दीपक जलाया जाता है। यम का दीपक कैसे जलाया जाता है वो वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।